अब हम देखते हैं व्हाइल लूप कैसे काम करता है पाइथन के अंदर। आप सबसे पहले एक कीवर्ड लिखोगे व्हाइल। व्हाइल बेसिकली एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर, और उसके आगे हम कंडीशन देंगे, और कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा उसका बॉडी एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा व्हाइल टर्मिनेट हो जाएगा, लूप रुक जाएगा। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, रुक जाना। व्हाइल लूप चलाते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर व्हाइल कीवर्ड लिखोगे, उसके आगे आप कंडीशन दे सकते हो। यहाँ अगर मैं यहाँ पर इस लूप को 10 टाइम्स चलाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आई, आई नाम का एक वेरिएबल लिया जिसको जीरो से स्टार्ट करूंगा। आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और यहाँ मैं प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा, और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ आई इज, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने आई वेरिएबल का नाम यहाँ लिखा। नाउ यहाँ पर आई को हम इंक्रीमेंट, अच्छा एक बात है पाइथन के अंदर से पोस्ट इंक्रीमेंट एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये जितने भी पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट जो है इनको रिमूव कर दिया गया है। तो आपको अगर इंक्रीमेंट यहाँ करना है पाइथन के अंदर तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा प्लस असाइन 1, है ना। मैं कमेंट में आपको लिख के बताता हूँ, ये बेसिकली मैंने शॉर्टकट लिखा है, इसका लॉन्ग कट क्या है, आई असाइन आई प्लस 1। ओके, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो मेरा लूप चलता रहेगा और इसका आउटपुट देखते हैं, रन करते हैं इस प्रोग्राम को। लिखना पड़ेगा पाइथन व्हाइल लूप डॉट पी वाई, एंटर करो, देखो लूप चल गया है। ओके, तो यहाँ लूप चल चुका है। अच्छा, इसमें कुछ पूछना है तो बोलो सर। क्लियर है।